इंडिया पर इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा लगातार तबादला एक्सप्रेस चलाई जा रही है। अब इस तबादला एक्सप्रेस में कौन पुलिसकर्मी शामिल हुए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय जी बताएं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए फरमान, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद जो एसपी हैं उनके द्वारा जो तबादला एक्सप्रेस की गई है उसमें 23-22 मुख्य आरक्षी, 44 आरक्षी, एक महिला आरक्षी शामिल हैं। इसमें से आपको बता दें कि उप निरीक्षक जावेद अहमद जो थाना रामकोट से पुलिस लाइन भेजे गए हैं, उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह थाना रामकोट से पुलिस लाइन भेजे गए हैं, उप निरीक्षक देवेंद्र राम थाना मानपुर से पुलिस लाइन भेजे गए हैं, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह लहरपुर से प्रभारी चौकी कस्बा मिश्रित थाना मिश्रित बनाए गए हैं, उप निरीक्षक लल्लन प्रसाद थाना महमूदाबाद में थे पुलिस लाइन भेजे गए हैं, उप निरीक्षक अरविंद मिश्रा थाना पिसावा थे पुलिस लाइन भेजे गए हैं, उप निरीक्षक हरीश चंद्र यादव थाना इमलिया सुल्तानपुर से पुलिस लाइन भेजे गए हैं। वहीं जो है उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह है जो अभी तक जो है प्रभारी चौकी कस्बा मिश्रित होते थे, वो जो है प्रभारी चौकी रेलवे स्टेशन मोहली थाना मोहली भेजे गए हैं। उप निरीक्षक शिव बहादुर सिंह जो अभी तक चौकी प्रभारी कुतुब नगर थाना पिसावा थे उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक श्यामू कन्होजिया जो अभी तक प्रभारी चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर थे उनको प्रभारी चौकी सांडा थाना बिस्वा बनाया गया है। उप निरीक्षक उग्रसेन सिंह प्रभारी चौकी सांडा थाना बिस्वा थे उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह थाना लहरपुर थे इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक अखिलेश कुमार थाना खैराबाद में थे इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक प्रेमचंद थाना खैराबाद में थे इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक नफीसुद्दीन थाना हरगांव में थे इनको जो है पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक राजीव दुबे थाना हरगांव में थे इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। उप निरीक्षक सनाउल्ला खां ये जो है चुनाव सेल में थे इनको प्रभारी न्यायिक सम्मान सेल भेजा गया है। उप निरीक्षक समताद अली चुनाव सेल में थे इनको थाना हरगांव भेजा गया है। उप निरीक्षक मणिकांत श्रीवास्तव थाना तंबौर चुनाव सेल से इनको जो है थाना सिधौली भेजा गया है। उप निरीक्षक सूर्य प्रताप सिंह मीडिया सेल में थे इनको जो है चौकी थाना सिधौली भेजा गया है। उप निरीक्षक शशांक पांडे जो अभी तक प्रभारी चौकी कस्बा थाना सिधौली थे इनको कोतवाली देहात भेजा गया है। उप निरीक्षक ज्योति बिश्नोई जो अभी तक प्रभारी चौकी रेलवे स्टेशन थाना महोली थी इनको जो है प्रभारी चौकी सिविल लाइन थाना कोतवाली नगर बनाया गया है। उप निरीक्षक चंद किशोर यादव जो थाना कोतवाली देहात में थे इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। तो इस प्रकार से फरमान आपको बता दें कि 23 SI जो हैं जिनको जो है इधर से उधर किया गया है व कुछ को पुलिस लाइन भी भेजा गया है। इसी तरीके से अब आपको बता दें जो मुख्य आरक्षी हैं, मुख्य आरक्षी अनूप कुमार थाना सकरन से चुनाव सेल से इनको जो है हेड मोहरी थाना सकरन बनाया गया है। मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह हेड मोहरी थाना सकरन से वाचक कार्यालय भेजा गया है। मुख्य आरक्षी अवधेश बहादुर सिंह पुलिस लाइन से थाना हरगांव भेजा गया है। मुख्य आरक्षी अजय कुमार SACO सिधौली से थाना सिधौली इनको थाने में कर दिया गया है। मुख्य आरक्षी सुभाष कुमार पुलिस लाइन चुनाव सेल में थे इनको थाना लहरपुर भेजा गया है। मुख्य आरक्षी राजीव कुमार जो अभी तक जो है चुनाव सेल में थे इनको सम्मान सेल पुलिस कार्यालय भेजा गया है। अब जो है आगे हैं सौरभ श्रीवास्तव ये थाना पिसावा में थे इनको जो है थाना कोतवाली देहात भेजा गया है। प्रमोद कुमार वर्मा जो थाना रामपुर कला चुनाव सेल देख रहे थे इनको जो है थाना पिसावा भेजा गया है। राम किशोर वर्मा पुलिस लाइन थाना कोतवाली नगर से भेजा गया है पुलिस लाइन में थे अभी तक। कमल किशोर सिंह पुलिस लाइन से इनको कोतवाली नगर भेजा गया है। प्रमोद कुमार पाल पुलिस लाइन में थे इनको वाचक कार्यालय भेजा गया है। मनीष कुमार मित्रा पुलिस लाइन से इनको थाना हरगांव भेजा गया है। कृष्णानंद ये जो है यातायात में थे इनको थाना हरगांव भेजा गया है। लक्ष्मी शंकर शुक्ला यातायात से थाना हरगांव भेजा गया है। मधुर पाल पुलिस लाइन से इनको थाना मटरेटा भेजा गया है। शैलेंद्र सिंह पुलिस लाइन में थे इनको जो है थाना तंबौर भेजा गया है। वीर सिंह गौर पुलिस लाइन से इनको थाना सकरन भेजा गया है। भवानी सिंह पुलिस लाइन से इनको थाना जो है तंबौर भेजा गया है। घनश्याम पुलिस लाइन से इनको थाना सकरन भेजा गया है। खड़क सिंह पुलिस लाइन से इनको थाना कमलापुर भेजा गया है। विवेक कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना सकरन भेजा गया है। गोकरण
पुलिस लाइन से इनको थाना रेवता भेजा गया, अश्विनी ढाका थाना खैराबाद से इनको थाना मोहली भेजा गया। अब फरमान जो है आपको बता दें कि जो आरक्षी है उसमें सूर्य प्रकाश पेशी शिवो मिश्रित चुनाव सेल देख रहे थे, इनको पेशी शिवो मोहली भेजा गया है। पुष्पेंद्र सिंह चुनाव सेल थे, इनको जो है साइबर क्राइम पुलिस थाना भेजा गया है। हरी सिंह माननीय न्यायालय सुरक्षा चुनाव सेल देख रहे थे, इनको फील्ड यूनिट में कर दिया गया है। अरविंद कुमार चुनाव सेल साइबर क्राइम पुलिस थाना से भेजा गया है, अभी तक ये चुनाव सेल में थे। संदीप कुमार अभियोजन कार्यालय चुनाव सेल और जो है कार्यालय प्रधान लिपिक और चुनाव सेल देख रहे थे, इनको सीसीटीएनएस सेल भेज दिया गया है। विक्रांत जो अभी तक यूपी 112 में थे इनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है। राजवीर सिंह जो यूपी 112 में थे इनको अपराध शाखा भेज दिया गया है। अभिषेक जो अभी तक थाना कोतवाली नगर व 112 की ड्यूटी कर रहे थे इनको आईजी आरएसएल भेज दिया गया है। अरुण कुमार अपराध शाखा में थे इनको आईजी आरएसएल भेजा गया है। मोहम्मद सरबर पुलिस लाइन में थे इनको थाना कमलापुर भेजा गया है। सुरेंद्र प्रताप यादव पुलिस लाइन में थे इनको कमलापुर भेजा गया है। सोनू सागर पुलिस लाइन में थे इनको थाना मानपुर भेजा गया है। सुभाष कुमार पुलिस लाइन में थे थाना मतरेठा भेजा गया है। अमरीश कुमार पुलिस लाइन में थे इनको थाना सकरन भेजा गया है। गजेंद्र सिंह यादव पुलिस लाइन में थे इनको थाना सकरन भेजा गया है। सतीश कुमार पुलिस लाइन में थे इनको माननीय जनपदीय न्यायालय सुरक्षा के लिए मतलब इनकी पोस्टिंग हुई है। सौरभ कुमार जो थाना सिधौली में यूपी 112 में से इनको थाना लहरपुर भेज दिया गया है। नदीम जो अभी तक पुलिस लाइन से इनको थाना कोतवाली भेजा गया है। प्रदीप कुमार पुलिस लाइन में से इनको जो है थाना सकरन भेजा गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुलिस लाइन से इनको थाना सिधौली भेजा गया है। दीपक कुमार पुलिस लाइन से थाना रेवता भेजा गया है। राहुल कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना मानपुर भेजा गया है। गौरव कुमार थाना खैराबाद से इनको हरगांव भेजा गया है। विवेक कुमार पुलिस लाइन से थाना सकरन भेजा गया है। शिवम कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना सकरन भेजा गया है। विपिन कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना हरगांव भेजा गया है। अमनदीप जो अभी तक थाना हरगांव से इनको पुलिस लाइन भेजा गया है। विवेक यादव जो यूपी 112 में थे इनको जो है थाना सदरपुर भेजा गया है। राहुल कुमार पुलिस लाइन से थाना मतरेठा भेजा गया है। प्रांत चौधरी जो अभी तक जो है पुलिस लाइन में थे इनको थाना सकरन भेजा गया है। राजेंद्र सिंह जो थाना खैराबाद से इनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है। रोहित सैनी जो पुलिस लाइन से इनको थाना रेवता भेजा गया है। सचिन कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना कमलापुर भेजा गया है। दशरथ कुमार पुलिस लाइन से इनको थाना मतरेठा भेजा गया है। मनोज कुमार पुलिस लाइन से थाना मानपुर भेजा गया है। विक्की सागर पुलिस लाइन से थाना रेवता भेजा गया है। संजय कुमार अभियोजन कार्यालय से थाना रेवता भेजा गया है। एक महिला आरक्षी है फरमान आपको बता दें कि सहारा कश्यप इनको जो है पुलिस लाइन से थाना कमलापुर भेज दिया गया है। वहीं पे जो है आपको बता दें आरक्षी भूपेंद्र कुमार थाना रेवता व पुलिस लाइन से इनको जो है अब अभियोजन कार्यालय भेज दिया गया है। अजय कुमार पुलिस लाइन से थाना तंबौर भेज दिया गया है। अरुण कुमार जो पुलिस लाइन से इनको थाना मानपुर भेजा गया है। गौरव कुमार थाना खैराबाद पुलिस लाइन से इनको जो है थाना बिस्मा भेज दिया गया है। इसी तरीके से आरक्षी हरेंद्र पाल जो पुलिस लाइन से इनको जो है थाना मानपुर के लिए भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से फरमान आपको बता दें कि 23 व 22 मुख्य आरक्षी व 44 आरक्षी एक महिला आरक्षी एसपी चक्रेश मिश्र की दूसरी तबादला एक्सप्रेस जो लोकसभा चुनाव के बाद चली है उस पर सवार किए गए हैं। इनको जो है इधर से उधर भेजा गया है व कुछ को पुलिस लाइन भेजा गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी बखूबी समझा रहे थे कि सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा जो तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है उसमें कौन कौन पुलिस कर्मी शामिल हुए हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया धनंजय।